बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल मज़ेदार से नूडल्स लेके आई हूँ। इसका नाम मैंने किया है चिकन पोटैटो चीज़ नूडल्स। ये बच्चों के मोस्ट फेवरेट नूडल्स हैं। आई लेट्स स्टार्ट। ये मैंने 3 बड़े आलू लिए, उनको बॉईल करके मैश कर किया हुआ है। वन बॉल, वन या हाफ बॉल ब्रेड क्रम्स हैं। हाफ डालनी है, फुल डालनी है, एज इट इज। चिकन को बॉयल करके उसको रिशाइश किया है। वो पीस बटर उनको बॉईल करके मैश किया हुआ है। हाथ को अच्छे से वॉश कर ले। वॉश करने के बाद अच्छी तरह पहले मिक्स कर ले, हैंड से कर ली है, हैंड से ज़्यादा अच्छी तरह हो जाता है, या स्पून से कर लें, आपकी मर्जी है। थोड़ा सा रफली रफली इनको मैश कर लिए। अब इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, वन टी स्पून के बराबर थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च ले लें। अब इसमें स्पाइसेस जाएंगी, 1 टी स्पून नमक, 1 टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टी स्पून रेड फ्लेक्स, 1 टी स्पून ऑरिगैनो लीव्स और 1 टी स्पून व्हाइट पेपर। वन स्मॉल बॉल चेडर चीज ले लें या मोजरेला चीज ले लें, जो आपको पसंद हो। बच्चों पसंद हो चलो चीज यूज की है। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह हैंड की मदद से मैश कर लेंगे। हमने इस तरह इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट सारे अच्छी तरह मिक्स हो जाए। फिर इस तरह का आपने कोई थाल ले लेना, इस तरह का हो, लोहे का हो या प्लास्टिक का, या कोई ऐसा हो जिसमें खुले डुले आराम से इसको रखा जा सके। और फिर इसको सारे मिक्सर को उठा के हमने इस थाल में फैला देना है।
अपनी मर्जी से जो मुझे शेप बनाए, बच्चों को जो पसंद है सिंपल बना लें। बराबर हर जगह से कहीं से पतला कहीं से मोटा ना हो इसको अपने फिर क्या तो प्रेस करते हैं किसी कटर या छुरी की मदद से आपने इसको कट कर लेना है। आपने कॉर्नस्टार्च में आधे टीस्पून नमक और आधे टीस्पून काली मिर्ची डाल के इसको बैटर बना लेंगे। इस तरह आप अपनी हाथ की मदद से शेप बना सकते हैं, मून बना सकते हैं, एनिमल्स, स्टार्स, पजल, मैंगो बनाया, ये बालू बनाया, ये आपको नजर आ रहा होगा बटरफ्लाई बनाई, ये ट्री बनाया क्रिसमस, अपनी हाथ की मदद से या किसी कटर की मदद से। मेरे पास टाइम कटर मेल वेल नहीं था तो मैंने अपने हाथ से ये चीज़ें बनाई हैं। लेट्स गो टू फ्राई। हमने थोड़े ब्रेड क्रम्स और ये कॉर्न स्टार्च इसमें नमक और मिलाकर रखा है, नमक और काली मिर्ची, ये तो सारा मुझे मिक्स हो गया। नमक और काली मिर्च हम इसमें डालनी है और घी को मैं पीले करने रखा है इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद कोई भी नूडल्स लेंगे पहले हम उसको इसमें डिप करेंगे, कॉर्न स्टार्च में नमक और काली मिर्ची में इसको डिप करेंगे, फिर इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करके
लीजिए फ्रेंड, यम्मी क्रंची नट नट क्रिस्प्स, जो भी आप शेक बनाना चाहें आप अपने मजे से शेक बना सकते हैं। सो सॉफ्ट मज़ेदार, आप लोग ही कमियाँ आए चाय के साथ खाते हैं और मज़े करते हैं। होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज इस रेसिपी को इंजॉय करें और मेरे पेज को लाइक करें, चैनल को लाइक करें। नौशीन आर्ट एंड कुकिंग आइडियाज़, शुक्रिया।